जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनो, प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है, और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास आने याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है, और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकुनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का ये फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, आप एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं, और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट, पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे, हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित तो ये बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं, उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, वे काम करनी शुरू की है वहां पे। हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है, और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना डबल इंजन की सरकार है, केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत
₹5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। और किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही ₹25 लाख सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है, उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में